नमस्कार, मेरा नाम सुनीता है। मैं गांव दौलत सिंह की ढाणी बानसुर अलवर राजस्थान की रहने वाली हूं। मैंने 2017 में SSG से जुड़कर बचत करना सीखा और मैं 10वीं पास थी पहले, और घर में चौकी चूल्हा तक ही सीमित थी। पहले मेरी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन जब मैं CSC से जुड़ी और नाबार्ड से जुड़ी तो मेरी पहचान बनी। CSC से मुझे 5 कंप्यूटर की लैब मिली जो मेरे घर पर स्थापित है। मैं महिलाओं को कंप्यूटर पढ़ा रही हूँ, बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दे रही हूँ और DGP से महिलाओं को और बुजुर्गों को पेंशन बांट रही हूँ। और घर पे मैंने रूरल मार्ट की कॉस्मेटिक की दुकान की स्थापना की, जिससे मुझे अच्छी इनकम होने लगी और जो पेंशन वितरित करती हूँ उससे भी मुझे अच्छी आय होने लगी है। और आज मैं BCB, मेरे पास HDFC बैंक की BCB है, जिससे मैं बैंक अकाउंट ओपन करती हूँ और लोन भी करवाती हूँ। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी CSC, नाबार्ड और युवा जागृति संस्थान को, जो मुझे आत्मनिर्भर बनाया। मेरा नाम मोनिका है, मैं कोठिया गांव की रहने वाली हूँ। मेरी समूह का नाम पलक है। और सबसे पहले मैंने परचुन्नी की दुकान की, परचुन्नी से फिर सिलाई करने लगी, सिलाई करने से फिर मणियारी की मणियार की, फिर धीरे धीरे यो कपड़ों की दुकान करी। फिर उसके बाद में भैंस भैंस रखी, भैंस का दूध बेचकर मेरे घर वो बच्चे की पढ़ाई लगाया। तो ऐसे काम करके मैंने 8-10 हजार की वो करने लग गई थी कमाई। बाकी महिलाओं को मैं ये कहूँ, आप भी छोटा मोटा काम शुरू करो। नमस्कार, मेरा नाम सीमा है और मैं SSG मौसम ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। मैं युवा जागृति को धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैंने ये सब सीखा। और मैं कॉस्मेटिक की दुकान चला रही हूँ और सिलाई का भी काम करती हूँ। और महीने के मैं 10 हजार के लगभग कमा लेती हूँ, अपने परिवार का अच्छी तरह काम चला लेती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ युवा जागृति से संस्था से जुड़े हुए सभी औरतों को ये कहना चाहती हूँ कि आप भी कुछ सीखो और कुछ करो, ताकि अपने पैरों पे खड़ी हो सके। और मैं युवा जागृति को और धन्यवाद देना चाहती हूँ। Thank you.
मेरा नाम रीना देवी है, मैं मैनपुर गांव से आई हूँ। मैंने मैनपुर में 15 दिन की ट्रेनिंग ली है, राजेंद्र सिंह से ली है मैंने ट्रेनिंग, और मैंने एलईडी बल्ब बनाना सीखा है। आज हम यहाँ पर विजिट के लिए आए हैं और मैं नाबार्ड युवा जागृति को धन्यवाद देती हूँ। मेरा सभी को नमस्कार, मेरा नाम सुनीता है, मैं कोथल गांव की रहने वाली हूँ। मैंने यहाँ LEDP की 7 दिन की ट्रेनिंग ली है। मैंने यहाँ गाय के गोबर से लक्ष्मी गणेश, धूप, दीपक और गणेश जी ये बनाना सीखा है। मैं नाबार्ड और UGIS को धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम मनीषा देवी है, मैं बांसुर अलवर राजस्थान की रहने वाली हूँ। शादी के बाद मैं घर के काम काज तक ही सीमित थी। 2015 में मैं CSE सेंटर से जुड़ी। CSE सेंटर जुड़ने के बाद मैंने BA तक कंप्लीट पढ़ाई की थी। मैं ग्रामीण महिला वेली के रूप में सैनिटी नैपकिन LED बल्ब की यूनिट की स्थापना की, जिसमें हम 10 महिलाओं का ग्रुप बनाया। 10 महिलाओं का ग्रुप बना के हम सब महिलाओं को मैं ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग देने के बाद वो अब आत्मनिर्भर बन रही है। मेरे CSE सेंटर पर 10 महिलाओं को रोज़गार मिला। रोज़गार मिलने के बाद मैं आज मेरी टीम के साथ स्कूल कॉलेज में जाकर महिलाओं और बालिकाओं को विषय पर बात, पहले बात करने पर कतराती थी, अब वो महिला और बालिकाएं खुलकर बात कर रही हैं। अब मैं CSE और नाबार्ड को और युवा जागृति संस्थान को धन्यवाद देती हूँ। नाबार्ड द्वारा अलवर जिले में युवा जागृति संस्थान की मदद से ग्रामीण स्तर पे कई सारे कार्य हुए हैं। 300 स्वयं सहायता समूह बनाने का एक प्रोजेक्ट सेंक्शन किया गया था। इस प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद था कि ग्रामीण स्तर पे जो महिलाएं हैं वो निरंतर अपने पाँव पे खड़ी हो सकें और अपने जो भी आजीविका का साधन प्राप्त कर सकें, और अलग अलग स्तर पर एक ग्रुप बना के निरंतर बैंक से जुड़ के अपनी आजीविका को बढ़ा सकें। और मैं उम्मीद करता हूं कि हर क्षेत्र में निरंतर ये विकास चलता रहेगा और ग्रामीण क्षेत्र में हमारी बहनों को, हमारे किसान भाइयों को और हमारे युवाओं बच्चों को भी उचित रोज़गार मिल सके और अपनी आजीविका को सस्टेनेबल वे में हम बढ़ा सकें। तो मैं युवा जागृति संस्थान को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ अपने हर कार्य के लिए।